back to my channel Physics by Mr. D.L. Gorea. In this video, I will prove that light waves are not longitudinal but transverse wave. And I will tell you, I will teach you polarization of light by reflection and Brewster's law. आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हाइगंस लेसन में, जहां पर आपने वेव नेचर पढ़ा था कि हाइगंस ने बताया, सबसे पहले क्या बताया कि जो प्रकाश तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य होती है. अकॉर्डिंग टू हाइगंस लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल्स. लेकिन जब ये घटना जो है पोलराइजेशन की घटना, इसको देखा गया, पोलराइजेशन की घटना को जो है डिस्क्राइब किया गया, तो यह पाया गया जो लाइट रेज होती है वो अनुदैर्ध्य ना होकर के अनुप्रस्थ होती है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल ना होकर के ट्रांसवर्स वेव होती है. और यही सत्य भी है कि लाइट रेज आर ट्रांसवर्स, जो लाइट रेज होती है, जो लाइट वेव्स होती है, ये ट्रांसवर्स होती है, ये अनुप्रस्थ होती है. और अनुप्रस्थ वेव्स होती किस प्रकार से, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वेव्स है इस प्रकार से चलती हैं, इनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं. इनमें जो कणों के कंपन होते हैं, जो तरंग चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, ये वेव चल रही है, कंपन इस प्रकार से हो रहे हैं. और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इनके जो कंपन होते हैं, ये तरंग चलने की दिशा के अनुदिश होते हैं. जैसे इस दिशा में तरंग चल रही है तो कंपन भी इसी प्रकार से हो रहे होते हैं. ठीक है, आप 9th क्लास में इसको अच्छे से समझ भी चुके हैं. तो आप इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आपको प्रूफ करना है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती हैं. तो इसके लिए ये आधुनिक प्रकाश लिया गया, ये एक टूरमैलिन क्रिस्टल लिया गया, ये दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल लिया गया. ठीक है, इसको हम ध्रुवक कहते हैं क्योंकि इसका काम है केवल आधुनिक प्रकाश को ध्रुवित कर देना. ठीक है, इसको विश्लेषक कहते हैं क्योंकि इसी से हम विश्लेषण करेंगे कि जो लाइट वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल्स है और ट्रांसवर्स है. ठीक है, तो इसको विश्लेषक कहते हैं. तो सबसे पहले इसको जब हम इस प्रकार से रखते हैं तो देखिए, यहां से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, इनके कंपन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ठीक है, इनके कंपन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ये जो है इसकी दोनों की अक्ष रखी है 90 डिग्री पर, ऐसे रखी हुई है. और इनको हम क्रासित अक्ष भी कहते हैं, ये क्रासित अक्ष है, ये 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो ये प्रकाश बाहर नहीं निकल पा रहा है. अर्थात यहाँ पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या है, बहुत ही कम हो गई है, न्यून हो गई है. तो इसका मतलब है कि ये अक्ष इन वेक्टर्स को रोक ले रही है. किंतु यदि हम इसको कर देते हैं पैरेलल कर देते हैं ध्रुवक की अक्ष के, ये जो ध्रुवक है इसके अक्ष के अगर पैरेलल इसके अक्ष कर देते हैं तो ये वैद्युत वेक्टर जैसे के तैसे बाहर निकल जा रहे हैं सेम. ठीक है, तो ये जो घटना है ये प्रूव करती है कि इसके कंपन ऐसे हो रहे थे, ये वेव चल रही है, इसके कंपन वेव चलने के ऊर्ध्वाधर हो रहे थे जो कि इस अक्ष से होकर के निकल गए, लेकिन 90 डिग्री पर मोड़ दिया तो चूंकि कंपन ऐसे हो रहे थे तो सारे कंपन क्या हो गए, समाप्त हो गए. अर्थात ये जो प्रकाश था ये वेव्स अनुप्रस्थ थी, जब 90 डिग्री पर मोड़ दिया तो ये ऐसे कंपन हो रहे थे वो सभी समाप्त हो गए, वहां प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई, न्यून हो गई. और जैसे ही इसको मैंने इसके पैरेलल रख दिया तो कंपन ऐसे ऐसे होते होते बाहर निकल गए. समझ पा रहे, क्योंकि यदि अनुदैर्ध्य होती, यदि अनुदैर्ध्य वेव्स होती तो एक छोटे से छिद्र से भी जितना प्रकाश यहाँ था उतना ही प्रकाश यहाँ निकल जाता. जैसे हमारी ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, तो यदि एक कांच का रूम बनाया जाए, ग्लास का रूम हो, और उसमें छोटा सा बारीक छिद्र कर दिया जाए, तो जो अंदर लोग बोल रहे होंगे उस छिद्र से होकर के जो ध्वनि है वो बाहर की ओर निकलेगी, और आप वहां पर कान लगाएंगे तो आपको जो है ध्वनि सुनाई पड़ेगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगें एक छोटे से छिद्र से भी होकर गुजर जाती है. लेकिन यदि उस कमरे के अंदर बहुत अधिक प्रकाश हो और पूरा कांच काले से पेंट कर दिया जाए, पूरा रूम चारों तरफ काले से पेंट कर दिया जाए, उस कमरे के अंदर प्रकाश उत्पन्न किया जाए, तो उसी छोटे से छिद्र के द्वारा प्रकाश बाहर नहीं निकल पाएगा. यह भी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, और यह भी आपको सिद्ध करता है कि जो लाइट वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स होती हैं न कि लॉन्गिट्यूडनल्स होती हैं.
क्या बनेगा, एक कांच का रूम बनाइए, ठीक है, उसको काला पेंट कर दीजिए फुल। अब उसके अंदर कोई बोले तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति एक छोटे से बारीक छिद्र के द्वारा वहां पर कान लगाकर उनकी आवाज को सुन सकता है। लेकिन यदि क्यों, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य होती है और वो उसमें से बाहर निकल आ रही है। लेकिन यदि इसके अंदर प्रकाश उत्पन्न किया जाए तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है, तो वो वेव्स उस छोटे से छिद्र से बाहर नहीं निकलेंगे, अर्थात प्रकाश आपको ना के बराबर बाहर प्राप्त होगा। सेम घटना यह है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, जो लाइट वेव्स होती हैं, दे आर ट्रांसवर्स न कि लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो यहां पर जो हाइगेंस की थ्योरी थी, जो हाइगेंस ने सर्वप्रथम माना था कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, वो उनकी ये जो है मानना उनका असत्य प्रूफ हो जाता है, गलत प्रूफ हो जाता है, और हाइगेंस ने इसको स्वीकार भी किया। ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं, ये हाइगेंस की एक असफलता थी, समझ रहे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आप जानेंगे परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सपोज दैट इट इज एयर एंड वाटर, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है दूसरा, और इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एन है, इसका अपवर्तनांक कितना है, एन है। यह एक अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, अनपोलराइज, ठीक। ये जब यहां पर आता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। इसका आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप अपने घर की फर्श पे एक बड़े से बर्तन में पानी भरिए, एक बड़े से बर्तन में वाटर लीजिए, ठीक है, और उसपे आप मान लीजिए ये वाटर यहां पर है, और आप इस डायरेक्शन में टार्च, यहां पर छत है ये आपकी, ठीक है, इस डायरेक्शन में टार्च को फोकस करिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां छत पर इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पानी को जब हिलाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन यहां पर देखने को छत में मिलेगा, और जो जल की मोटाई होगी, मतलब इतना मोटा भरा इसके अंदर भी प्रकाश चला जाएगा, इसके अंदर सिक्का पड़ा होगा वो भी दिखाई पड़ेगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं, ये वाटर लेयर है, बर्तन भर लिया, ये छत है, यहां से कांच को फोकस किया तो क्या हुआ, प्रकाश जब यहां पर आया कांच से तो यहां पर प्रकाश दिखाई पड़ेगा और अंदर भी प्रकाश दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो यहां का प्रकाश होगा ये बहुत ही मंद होगा, और ये प्रकाश जो होगा ये तीव्र होगा। जो परावर्तित प्रकाश है ये मंद होगा, मतलब आंशिक रूप से यहां पर प्रकाश जाता है और यहां भी मंद हो जाता है, लेकिन इसकी अपेक्षा अधिक होता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो लाइट वेव्स है इनका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रेक्शन भी हो रहा है, अर्थात परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है। इसी के थ्रू ये घटना आप समझेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस हो रही है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जब ये अध्रुवित प्रकाश पर पड़ता है तो प्रकाश आंशिक रूप से परावर्तित हो जाता है, आंशिक रूप से परावर्तित हो जाता है और अपवर्तित भी हो जाता है। ये जो परावर्तित प्रकाश होता है ये आंशिक समतल ध्रुवित होता है। आंशिक समतल ध्रुवित क्या होता है, जैसे कि आप ये अध्रुवित प्रकाश पाते हैं तो आंशिक समतल ध्रुवित का मतलब होता है इसके कुछ ही वैद्युत वेक्टर समाप्त हो जाना, बाकी अधिकांश वैद्युत वेक्टर का उसमें उपस्थित होना आंशिक ध्रुवित। तो पूर्ण समतल ध्रुवित कब हो जाएगा, जब इसमें वैद्युत वेक्टर केवल ये बचेंगे एक दिशीय, तो हम कहेंगे प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित हो गया है। तो जब अध्रुवित प्रकाश पारदर्शी माध्यम पर पड़ता है तो उसका परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। जो परावर्तित प्रकाश है ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, यहीं पर पॉइंट समझने वाला है। यह आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश एक निश्चित आपतन कोण पर पूर्ण समतल ध्रुवित हो जाता है, अर्थात यदि हम इस ध्रुवण कोण को, आपतन कोण को घटाए बढ़ाए तो एक निश्चित आपतन कोण पर यह प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित हो जाता है। इसी कोण को हम कहते हैं ध्रुवण कोण। अगर ध्रुवण कोण की आपको डिफिनेशन देनी है तो कहोगे जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो वह आंशिक रूप से परावर्तित और अपवर्तित भी हो जाता है। परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, किंतु एक निश्चित
परावर्त एक निश्चित आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित हो जाता है, इसी कोण को हम कहते हैं ध्रुवण कोण। आप देखेंगे जैसे ये छत हमने अभी बताया था, तो ये टॉर्च जो है इसके आप डायरेक्शन लगातार बदलिए, इसके डायरेक्शन लगातार बदलते रहिए थोड़ा, तो देखेंगे एक निश्चित डायरेक्शन पर जब आप प्रकाश आपतित करेंगे यहां पर, ठीक है, आईपी पे ध्रुवण कोण पे, तो यहां जो ये चमक होगी सबसे अधिक होगी। यहां पर उस समय आप कहोगे प्रकाश जो है अधिक नहीं बल्कि इस प्रकाश की 50% हो जाएगी। ये रियल पॉइंट है कि जो यहां प्रकाश होगा उसकी अपेक्षा यहां पर जो तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 50% जब रह जाए तो समझ लीजिए प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित हो गया है। पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान यही है कि जो अध्रुवित प्रकाश है इसकी तीव्रता जितनी है उसकी यहां कितनी रह जाएगी, 50%, बस प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित हो गया। तो इस कोण को हम कहते हैं ध्रुवण कोण, समझ गए। अब इस समय ये जो परावर्तित प्रकाश के कंपन होते हैं ये कागज के तल के लंबवत होते हैं, इसीलिए इनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया डॉटेड, और ये जो अपवर्तित प्रकाश होता है ये कागज के तल में होते हैं इसीलिए इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो जब ये परावर्तित प्रकाश है तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, तो ये भी आईपी हो जाएगा, ये भी आईपी हो जाएगा, और ये कोण जो होगा ये अपवर्तन कोण हो गया, ये आर है, ये आईपी से अलग होगा, ठीक है। अब आप समझिए यहां पर ध्रुवण ब्रूस्टर का नियम फिर क्या है। देखिए इसमें ध्रुवण कोण चाहे डिफाइन करना हो चाहे ब्रूस्टर्स लॉ डिफाइन करना हो आपको पूरा बोलना पड़ेगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। देखिए जब अध्रुवित प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर आपतित होता है तो वह आंशिक रूप से परावर्तित और अपवर्तित भी हो जाता है। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। एक निश्चित आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं, आईपी आईपी को बोलते हैं ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण कहते हैं। इस समय पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की इस स्पर्श्या या टेंजेंट के इक्वल होता है। इस समय अर्थात जब ये ध्रुवण कोण आईपी बनता है या प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित हो जाता है तो इस समय पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के टेंजेंट के इक्वल होता है, इसी को हम कहते हैं ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। तो आप केवल इतना नहीं बोलेंगे कि ब्रूस्टर के नियमानुसार पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के टेंजेंट के इक्वल होता है, स्पर्श्या के इक्वल, केवल इतना नहीं बोलेंगे, पूरा डिफाइन करेंगे, पहले ध्रुवण कोण उसके बाद ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसी को कहते हैं ब्रूस्टर का नियम, ये ब्रूस्टर का नियम हो गया, ठीक है। अब आपको ब्रूस्टर के नियम की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि जो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण होती है इसके बीच का एंगल ये 90 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ब्रूस्टर जब ये ध्रुवण कोण होता है तो ब्रूस्टर के नियमानुसार परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए ये आपतन कोण ध्रुवण कोण है तो ये भी परावर्तन कोण इसमें ध्रुवण कोण के इक्वल हो जाएगा और ये जो है आर हो गया। तो सबसे पहले ब्रूस्टर के नियमानुसार जब ये ध्रुवण कोण है तो अपवर्तनांक एन बराबर टेन आईपी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्नेल का नियम हम यूज कर रहे हैं तो स्नेल का नियम क्या होता है, अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले के सापेक्ष टेन साइन आई अपान साइन आर, आई की जगह क्या है आईपी अपान आर। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 एन एंड एन इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड मैंने इक्वल कर दिया टेन आईपी ये हो गया और साइन आईपी अपान साइन आर हो गया। टेन आईपी को आप लिख सकते हो साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहां पर आपका लिखा हुआ है साइन आईपी अपॉन साइन आर। अब ये साइन आईपी और साइन आईपी कैंसिल हो जाएगा, आपको प्राप्त क्या होगा कॉस आईपी इक्वल टू साइन आर, ठीक है। कॉस
आई पी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस आर। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा आर क्या होता है, साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, आईपी इक्वल टू 90 माइनस आर। देखिए बच्चों आईपी आपको ऐसे लिखना है, मैं जो लिख रहा हूं उसको आप सही से लिखेंगे यहां पर, मैं भी प्रयास कर रहा हूं सही ही लिखने का, ठीक है। आईपी इक्वल टू 90 माइनस आर बचेगा, कॉस कॉस कैंसिल होता है, आर को इधर ले आएंगे तो प्रूफ हो गया आर प्लस आईपी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए आर और आईपी कितना है 90 डिग्री। अब ये जो है पी ओ क्यू पूरा एंगल कितना होता है 180, तो ये जब 90 निकल जाएगा तो ये 90 बचेगा। देखिए एंगल ए ओ बी प्लस आर प्लस आईपी इक्वल टू 180। देखो ए ओ बी और ये आई ये आर एड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आप आर और आईपी की वैल्यू रख दीजिए, आर और आईपी की वैल्यू रख दीजिए, आर और आईपी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, ये एंगल जो है ये जो परावर्तित किरण है या अपवर्तित किरण इसके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है, आज का जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं हो सकता इससे कुछ भी ना है, टोटल न्यूमेरिकल इसी पर आधारित है, आप लोग न्यूमेरिकल हल करोगे, बस थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ओके।